27 करोड़ की घड़ी, 28 करोड़ का ब्रेसलेट, कौन है खरीदार? जानकर उड़ जाएंगे होश। दिल्ली में कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 28 करोड़ से ज्यादा की 7 घड़ियों को जब्त किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक घड़ी की ही कीमत 27 करोड़ से ज्यादा है। बरामद हुई घड़ियों में से एक सोने की बनी है, जिस पर हीरे जड़े हैं। कस्टम विभाग के एक अधिकारी ने दावा किया है कि आरोपी यात्री और उसके चाचा का दुबई में महंगी घड़ियों का एक शोरूम है। 27 करोड़ की घड़ी के साथ कस्टम विभाग को 28 करोड़ का हीरा जड़ित ब्रेसलेट और एक फोन बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि ये सभी घड़ियां रोलेक्स, जैकब एंड कंपनी और पिएगेट लाइमलाइट के हैं। दिल्ली हवाई अड्डे से बरामद हुई इस करोड़ों की घड़ियों और ब्रेसलेट की सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। घड़ियों को जब्त कर यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो भारतीय नागरिक है। बरामद हुई घड़ियों और ब्रेसलेट की कीमत करीब 60 किलोग्राम सोने के बराबर बताई जा रही है। सूत्रों के माने तो दिल्ली में एक हाई प्रोफेशनल क्लाइंट को ये घड़ियां और ब्रेसलेट दिए जाने थे। खबर है कि हाई प्रोफेशनल क्लाइंट को दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मिलना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गुजरात का रहने वाला है। फिलहाल कीमती और महंगी घड़ियों को देखकर हर कोई चौंक गया है, जबकि कस्टम विभाग के साथ पुलिस अधिकारी आगे की जांच में जुट गए हैं।